भौरा तेरा पानी गजब करी जाए, गगरी न फूटे चाहे खसम मरी जाए। ये अखत कहानी है चित्रकूट जिले के मानिकपुर तहसील के पाठा के उन गांवों की, जो जंगल की तलहटी में बसे हैं, जहां बरसात खत्म होते ही पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। तस्वीरों को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारी योजनाएं यहां कितनी कारगर हुई हैं। पानी की किल्लत मिटाने के लिए तमाम योजनाएं सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह जाती हैं। पानी की कहानी सुनिए उन पाठा के आदिवासियों से, जो एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पाठा के मानिकपुर में अमचूर नेरुआ गांव में आदिवासी लोग सुबह से सारा काम छोड़कर पानी की व्यवस्था करने में जुट जाते हैं। अपनी बैलगाड़ी से सिरों पर घड़ा और डिब्बे रखकर ज्यादा से ज्यादा पानी को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ सरकारी अफसरों की जेबें तो सरकारी धन से भरी रहती हैं, लेकिन ये क्षेत्र सदियों से प्यासा रहा है और आज भी प्यासा ही है। सूबे में सरकार बदल गई, निजाम बदल गए, लेकिन नहीं बदली बुंदेलखंड के बाशिंदों की तकदीर। चित्रकूट धाम मंडल मुख्यालय बांदा शहर से सटे गांव में, जहां सरकारी शौचालय तो दूर, नालियां और सड़क तक नहीं है। शौच के लिए खेत ही यहां के लोगों के लिए डिजिटल शौचालय है। 21वीं सदी में घर के पानी के लिए खोदे गहरे गड्ढों से बचाने के लिए यहाँ रस्सी से बांधे जाते हैं मासूम। बांदा से सटे गांव किलेदार पुरवा का नजारा देखकर जरूर आपको आश्चर्य होगा। कई दशकों से मौसम की बेरुखी को झेल रहे बुंदेलखंड के हालात भयावह हो चुके हैं। एक तरफ भूख से लड़ाई तो दूसरी तरफ कर्ज की मार। हालातों से बेबस किसानों की आए दिन खुदकुशी करने की खबरें आती रहती हैं। पानी और रोटी का सवाल बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान के इस हिस्से का नाम जुबा पर आते ही जहन में एक ऐसी तस्वीर उभरती है, जहां सूखे खेत, सूखी नहरें, सूखी नदियां हैं। बंजर जमीनों पर उम्मीदों का हल चलाते किसान हैं। कुल मिलाकर बुंदेलखंड देश का एक ऐसा हिस्सा है, जहां विकास के तमाम दावे, खुशहाली के तमाम सपने दम तोड़ते नजर आते हैं।